एक खबर आपको दिखाते हैं, वो यमुना एक्सप्रेसवे की है, जहां धुंध की वजह से एक के बाद एक 6 गाड़ियों की टक्कर हुई है। एक बस में भी गाड़ियों से टक्कर हुई है। हादसे में कुछ विदेशी पर्यटक भी घायल हुए हैं। ये इस वक्त आप विजुअल्स देखिए, फिर हम आपको इसके बारे में और डिटेल बताते हैं। सैयद शकील अहमद इस वक्त हमारे साथ तो मौजूद हैं। ये देखिए, एक के बाद एक, क्योंकि गाड़ियां बीच में टकरा रही थी, धुंध के कारण दिख नहीं रहा था, और अमूमन ये स्पीड आप नजर आ सकती है 80 से 100 के करीब, तो ये स्पीड है ही है। सैयद शकील अहमद, ये एक बहुत बड़ा हादसा है, और ये हम ये बानगी कह सकते हैं, ऐसे कई बड़े हादसे हो सकते हैं, इसके बारे में पहले डिटेल बताइए। देखिए, आगरा नोएडा एक्सप्रेस का ये पूरा हादसा है, मथुरा ये जिला है, मथुरा जिले के बलदेव थाना क्षेत्र में पूरी घटनाक्रम हुआ है। यहाँ कोहरे के गहरे ने दस्तक दे दी है। पहले दो गाड़ी आके टकराती हैं, जैसे ही वो गाड़ी वहाँ आपस में रुकती है, टकराने के बाद रुकती है, उसके बाद से लगातार एक के पीछे एक गाड़ी टकराई जाती है, और ये लगभग सुबह 7:30-8 के बीच की घटना है। तो कोहरे के कारण जो हादसा हुआ है, इस हादसे में लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह की जनहानि होने की सूचना नहीं आ रही है। घायल मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए मथुरा के ही निजी अस्पतालों में एडमिट करा दिया गया है। वहाँ की जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां वहां से हटवाई जा रही है। तो उसमें साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोहरे के कहर ने एकदम से दस्तक दे दी है। नोएडा एक्सप्रेस पर इस तरह के हादसे आम है, और इससे बचने के लिए वहाँ के जो अधिकारी है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के हादसों से किस तरह बचा जाए। जी, और इस पे कोई उसके बाद इंतजाम किए गए, क्योंकि जब ये हुआ, क्योंकि ये अलार्म जरूर है ये सिग्नल, आगे तो फॉग या धुंध और बढ़ेगी, और एक्सप्रेस वे पे तो हमने अमूमन देखा है कि सुबह के वक्त इतनी ज्यादा फॉग रहती है, दिखता कोई नहीं है, तो कोई गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, एम्बुलेंसेस खड़ी हो, वैन खड़ी हो, ये हर बार इस चीज को लेकर के डिस्कशन जरूर होता है, उसके बाद कुछ कदम उठाए गए? उसके बाद तो इस तरह के हादसों के बाद अभी तक कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन चूंकि इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में इस तरह का कोई कदम उठाया जाए जिससे इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं इन पर लगाम लग सके। लेकिन फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है, जो घायल लोग हैं उनके उपचार में जुटा हुआ है, वो वहां से एक्सीडेंट साफ कर दिया गया है। रोड पे जो गाड़ियां लगी हुई थी, एक के बाद एक जो एक्सीडेंट के बाद गाड़ियां रोड पे जाम हो गई थी, उन्हें वहां से हटा दिया गया। हम ये कहते हैं कि डराने वाला भी है और अलार्मिंग भी है, क्योंकि आगे तो स्थिति और ज्यादा बढ़ती है, और ऐसे ही एक्सप्रेसवे को मौत का एक्सप्रेसवे कहा जाता है, तो इंतजाम तो चाहिए होंगे और आगे करने ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। चार निकला, निकला, निकला।